तो दोस्तों अमेज़ॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और अगर आप लोग ऐसे में सोच रहे थे कोई लैपटॉप परचेज़ करने के बारे में, तो यहाँ पे आपको अप टू 30,000 रुपीज़ का ऑफ देखने को मिल सकता है लैपटॉप्स के ऊपर। और अगर आप लोग गेमिंग लैपटॉप परचेज़ करने वाले, तो आपको अप टू 35,000 रुपीज़ तक का भी ऑफ देखने को मिलने वाला है। प्लस आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप लोग HDFC का कार्ड यूज़ करते हो। और यहाँ पे आपको नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन मिलता है, उस पर भी आपको 10% का HDFC के कार्ड पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे आप लोगों को एक्सचेंज ऑफर्स के ऊपर भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ लैपटॉप्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप लोग सेल में परचेज़ कर सकते हो, और काफ़ी सही प्राइस के ऊपर ये लैपटॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। भले ही आप स्टूडेंट हो, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर गेमिंग करनी है या फिर कोडिंग करनी है, सारे ही लैपटॉप्स आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और साथ ही में दबा देना बेल आइकन को, ताकि जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट लैपटॉप से, जो कि आप लोग होम और ऑफिस वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला लैपटॉप है लेनोवो की तरफ से, लेनोवो का आइडियापैड स्लिम 3i, जो कि इंटेल के i3 के 10th जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में आता है। यहाँ पे आपको 4GB की रैम मिल जाती है, 1TB की हार्ड ड्राइव मिल जाती है, और सारे ही लैपटॉप्स के अंदर आपको विंडोज़ 10 प्री इंस्टॉल मिलने वाली है। और इस लैपटॉप के अंदर जो आपको CPU मिलता है वो है 2 कोर और 4 थ्रेड वाला CPU, 1.2 GHz इसकी बेस क्लॉक स्पीड है और 3.4 GHz इसकी मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक स्पीड है। और यहाँ पे जो आपको 4GB की रैम दी है वो आती है 2666 MHz की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जिसको आप लोग 12GB तक भी एक्सपेंड कर सकते हो। और डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको रैपिड चार्ज का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो आपकी जो बैटरी है लैपटॉप की वो 80% चार्ज हो जाएगी 1 घंटे के अंदर। और इस लैपटॉप के अंदर आपको 0.3 MP का एक कैमरा भी मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 2 1.5 W के स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं। और लैपटॉप के वेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.85 kg का इसका वेट देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो इसको आराम से कैरी कर सकते हो। और प्राइस की बात करें तो 30,000 रुपीज़ के अंदर आपको ये लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि 4GB रैम से आप लोगों का काम नहीं बनने वाला है, तो आप लोग 8GB रैम वाले लैपटॉप को भी कंसीडर कर सकते हो, जो कि बिल्कुल सिमिलर है जो कि हमने पिछला लैपटॉप देखा है लेनोवो का। बस यहाँ पे आपको 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, 4GB की आपको एक्स्ट्रा रैम यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो टोटल इस लैपटॉप के अंदर आपको 8GB की रैम देखने को मिल जाती है, बाकी सब चीज़ें इसके अंदर सेम है। और अगर आप लोगों को लेनोवो ब्रांड इतना अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग इस लैपटॉप को भी कंसीडर कर सकते हो, जो कि HP की तरफ से आता है। यहाँ पे आपको i3 का 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 2 कोर और 4 थ्रेड के ऊपर आता है। सेम प्रोसेसर है जो कि आपको लेनोवो के अंदर मिल रहा था। और इस लैपटॉप के अंदर भी आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, 8GB की रैम मिल जाती है, 1TB की यहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो 36,000 रुपीज़ के अंदर आपको ये लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। और इस लैपटॉप के अंदर आपको 2666 MHz वाली 8GB की सिंगल स्टिक रैम देखने को मिलने वाली है। और इस लैपटॉप के अंदर भी आपको वेबकैम देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी जो वेट है इस लैपटॉप का वो भी 1.85 kg है। तो आप लोग कंसीडर कर सकते हो इसको भी, अगर आपको HP ब्रांड अच्छा लगता है तो, नहीं तो आप लोग लेनोवो के साथ भी जा सकते हो, वहाँ पर आपका 1,000 रुपीज़ और सेव हो जाएगा। और सारे ही लैपटॉप्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना। और अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट लैपटॉप के बारे में, जो कि आप लोग कोडिंग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये लैपटॉप आता है MI की तरफ से, MI का नोटबुक 14, जो कि एक i5 10th जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में आता है, जो कि 4 कोर और 8 थ्रेड का प्रोसेसर है। और यहाँ पे आपको 8GB की रैम मिल जाती है, 512GB की यहाँ पे आपको SSD देखने को मिल जाती है, और 14 इंच की यहाँ पे आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और प्राइस की बात करें तो 44,000 रुपीज़ के अंदर आपको ये लैपटॉप देखने को मिल जाएगा, और साथ ही में आपको यहाँ पे एक फ्री HD वेबकैम भी देखने को मिल जाएगा। और इस लैपटॉप का वेट काफ़ी ज़्यादा कम है, सिर्फ 1.5 kg का ये लैपटॉप है, तो आप लोग इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। काफ़ी कम वेट है इसका, तो आपको कैरी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अगर आप लोगों का बजट है 45,000 रुपीज़ के आसपास, तो आप लोग ज़रूर इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो। इसके अंदर आप लोग कोडिंग वगैरह आराम से कर लोगे, आपको कैरी करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वेट इसका थोड़ा कम है। और काफ़ी सही सा लैपटॉप है, काफ़ी ज़्यादा स्लिम भी है। और यहाँ पे सारे ही लैपटॉप्स के अंदर आपको विंडोज़ 10 प्री इंस्टॉल देखने को मिलने वाली है।
तो ये थे कुछ स्टूडेंट होम और ऑफिस वर्क वाले लैपटॉप जो कि आप लोग इस सेल में परचेज कर सकते हो। और अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने उन लैपटॉप्स के बारे में जिनके ऊपर आप लोग गेमिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग स्टूडेंट भी हो, कोडिंग वगैरह करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी आराम से कर सकते हो। तो इस लिस्ट में सबसे पहला लैपटॉप है एसर का नाइट्रो 5 जो कि 15.6 इंच की फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले के साथ में आता है। और यहाँ पे आपको राइजन का 5 3550H प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 4 कोर और 8 थ्रेड का प्रोसेसर है। यहाँ पे आपको 8GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD मिल जाती है और यहाँ पे आपको 4GB की VRAM वाला 1650 ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। और इस लैपटॉप के वेट की बात करें तो 2.2 kg इसका वेट है और जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उनका वेट थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो अगर आप लोग इस लैपटॉप के ऊपर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको 4GB की VRAM वाला ग्राफिक कार्ड मिलता है। और अगर आप लोग इसके ऊपर गेमिंग करना चाहते हो तो गेमिंग भी आराम से आप कर सकते हो, 1080p पर ही आपको आराम से गेमिंग करवा देगा। और अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट लैपटॉप के बारे में जो कि आता है असूस की तरफ से। असूस का टफ गेमिंग 15.6 इंच की यहाँ पे आपको फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है आईपीएस पैनल के साथ में। और यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिलता है राइजन 7 3750H जो कि 4 कोर और 8 थ्रेड का CPU है। यहाँ पे भी आपको 1650 ग्राफिक कार्ड मिलता है जो कि 4GB की VRAM के साथ में आता है। बस यहाँ पे आपको रैम ज़्यादा मिल जाती है, 16GB की आपको रैम मिल रही है यहाँ पे, 8 GB की दो स्टिक्स और यहाँ पे आपको 512GB की NVMe SSD देखने को मिल जाएगी। और इस लैपटॉप की प्राइस की बात करें तो 59,000 रुपीज़ के अंदर आपको ये लैपटॉप देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे रैम की बात करें तो 2400 MHz की यहाँ पे आपको दो स्टिक मिलने वाली है 8GB की, तो टोटल आपको 16GB रैम मिलने वाली है इस लैपटॉप के अंदर। तो इस लैपटॉप पर भी आप लोग आराम से अपनी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो और आप लोग 1080p पर गेमिंग भी कर सकते हो लैपटॉप के ऊपर। और अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट लैपटॉप के बारे में जो कि अगेन असूस की तरफ से आता है, असूस का टफ गेमिंग A15 लैपटॉप। यहाँ पे भी आपको 15.6 इंच की फुल एचडी आईपीएस पैनल वाली डिस्प्ले मिल जाती है। बस यहाँ पे आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और राइजन 7 4800H यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिलता है जो कि 8 कोर और 16 थ्रेड का प्रोसेसर है। और इस लैपटॉप में आपको 6GB की GDDR6 टाइप की VRAM वाला 1660Ti ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है जो कि आपको 100+ FPS वाली गेमिंग करा सकता है अगर आप लोग 1080p पर अल्ट्रा सेटिंग्स पर भी गेमिंग करते हो तो। और इस लैपटॉप के अंदर आपको 8GB की रैम मिलती है और 1TB की यहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव मिलती है और 256GB की यहाँ पे आपको NVMe SSD भी देखने को मिल जाएगी। और इस लैपटॉप की प्राइस की बात करें तो 85,000 रुपीज़ के अंदर आपको ये लैपटॉप देखने को मिलने वाला है। और अगर आप लोग CPU इंटेंसिव टास्क करने वाले हो तो आप लोग इस लैपटॉप को ज़रूर कंसीडर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको 8 कोर और 16 थ्रेड मिलते हैं। और गेमिंग में भी ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है क्योंकि आपको हाईर रिफ्रेश रेट वाली गेमिंग आराम से करवा देगा। और इस लैपटॉप के अंदर आपको एक और वेरिएंट मिलता है 16GB रैम वाला और दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको 3200 MHz की फ्रिक्वेंसी वाली रैम देखने को मिल जाती है। तो अगर आप लोगों को 16GB रैम वाला वेरिएंट चाहिए तो आप लोग वो भी कंसीडर कर सकते हो, बस उसके लिए आपको 6,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे और यहाँ पे आपको एक और 8GB की 3200 MHz पर रैम एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगी। बाकी सब कुछ इस लैपटॉप के अंदर सेम है, बस यहाँ पे आपको एक 8GB की स्टिक और देखने को मिल जाती है और दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर आपको एक वेबकैम भी देखने को मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट लैपटॉप के बारे में। तो ये लैपटॉप आता है MSI की तरफ से, MSI का गेमिंग GL65 लेपर्ड जो कि आता है 15.6 इंच की फुल HD IPS मॉनिटर के साथ में। यहाँ पे भी आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है इंटेल का कोर i7 9th जनरेशन वाला CPU 9750H जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड का CPU है। और इस लैपटॉप के अंदर आपको 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB की यहाँ पे आपको NVMe SSD देखने को मिल जाती है। और ग्राफिक कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको 1660Ti ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है जो कि 6GB की VRAM के साथ में आता है। और इस लैपटॉप की प्राइस है 93,000 रुपीज़, तो थोड़ी सी ज़्यादा लगी मुझे क्योंकि जो असूस का लैपटॉप अभी हमने देखा है वो है 8 कोर और 16 थ्रेड के CPU के साथ में और ये है 6 कोर और 12 थ्रेड के CPU के साथ में। तो ज़्यादा अच्छी डील है असूस की तरफ से क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा CPU देखने को मिल जाएगा। तो बस ये थे कुछ लैपटॉप्स जो कि मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट करे थे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ऑसम, गुड बाय।